हेलो गाइस, आज हम बहुत सारे एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने मेरे टाइटल में देखा होगा कि हम कौन कौन से एंजल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो में कोई एंजल नंबर रह गया हो जो आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। मैं बहुत ही जल्द उस एंजल नंबर के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 63% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टाइम पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एंजल नंबर 11 की। देखिए, एंजल नंबर 11 मास्टर नंबर होता है जो कि आपके कर्मा से रिलेटेड होता है। ये एंजल नंबर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को सिंबल करता है। अगर आपको ये नंबर बार बार दिखे तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आप जिस भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, आप उस पे चलते रहिए और साथ ही साथ और भी मेहनत करिए। ये बहुत ही अच्छा साइन है जब भी आपको एंजल नंबर 11 दिखे। तो बस आप ये चीज़ को समझ लीजिएगा कि आप एकदम सही पाथ पे चल रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 49 की। देखिए, जिन लोगों को भी बार बार 49 नंबर दिख रहा है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एंजल्स आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं कि आप एकदम सही पाथ पर चल रहे हो। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसका बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपका लाइफ पर्पस और साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अलाइन होने वाली हैं, और साथ ही साथ ही ये भी दर्शाता है कि आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 51 की। देखिए, अगर आपको बार बार एंजल नंबर 51 दिख रहा है तो ये आपको ये बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। चाहे आपकी लाइफ में अभी दुख चल रहा है, बहुत ही परेशानी चल रही है, आप किसी चीज़ को लेके टेंशन में हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो एंजल नंबर 51 आपको ये बताना चाहता है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में फोकस रहें, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर ही अपनी एनर्जी लगाएं, उनके ऊपर ही अपने एफर्ट्स लगाएं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलें। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना फोकस बनाए रखेंगे जो आपके लिए अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 55 की। देखिए, अगर आपको बार बार एंजल नंबर 55 दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, बट ये आपके ऊपर है इस वक्त कि वो चेंजेस पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुने, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो आपकी अंतरात्मा है कहीं ना कहीं आपको प्योर गाइडेंस देती हैं, और ये गाइडेंस आपको आपकी लाइफ में और भी बेहतर बनने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ एंजल नंबर 55 आपको ये भी बताना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेट गो करें जो चीज़ें आपके लिए अब सही नहीं हैं, और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है या फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप उन सब चीज़ों को लेट गो करें। आप में से बहुत से लोग जो अभी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो ये चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि उनकी लाइफ में वो चीज़ जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 64 की। एंजल नंबर 64 उन लोगों के लिए है जो लीडर हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ है जिनकी, जो लोग पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर 64 इशारा कर रहा है कि आपको अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से आपकी फैमिली आपसे दूर होती जा रही है। तो जिन जिन लोगों को एंजल नंबर 64 दिख रहा है, वो लोग इस वक्त
अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम दें। देखिए, अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे तो ऐसे काम का भी क्या फ़ायदा, ऐसा काम जो आपको आपकी फैमिली से दूर कर दे। आप अपने काम को और अपनी फैमिली को इक्वल टाइम दें। देखिए, अगर आप ऐसा करोगे कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी और अच्छी होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 72 की। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट रखें कि वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं सही दिशा में बढ़ने की। जब भी आपको बार बार एंजल नंबर 72 दिखे तो आप इसको ये समझिए कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर और अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखना है। जितना आप अपनी इंट्यूशन और स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखोगे उतना ही आप अपनी डेस्टिनी को आसानी से पालोगे। देखिए, इस वक्त अगर आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपका माइंड इधर उधर भागता है, बट अगर आपको इस वक्त 72 नंबर बार बार दिख रहा है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन और स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट करें और अपने मन की सुनते हुए आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 77 की। देखिए, अगर आपको बार बार एंजल नंबर 77 दिखे तो इसका सीधा सा मैसेज है कि आपकी अलाइनमेंट हो रही है आपके हाइयर सोल पर्पस के साथ। और जब भी आपको ये पावरफुल नंबर दिखे 77, तो आप ये चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि आपकी हेल्प करने के लिए आर्कएंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छी हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही हैं या कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए हैं। आर्कएंजल्स आपका टेस्ट ले रहे हैं और आर्कएंजल्स चाहते हैं कि आप इस टेस्ट में पास हों ताकि आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को सीख पाएँ और अपने आप को बेहतर बना पाएँ। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 85 की। अगर आपको बार बार एंजल नंबर 85 दिख रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी जो आपकी लाइफ में छोटे मोटे बदलाव लेके आ सकती हैं। चाहे ये बदलाव आप अपनी लाइफ में नोटिस ना कर पाएँ, बट ये बदलाव कुछ ऐसे होंगे जो धीरे धीरे करते करते आपको और बेहतर बनाते जाएंगे और ये छोटे छोटे बदलाव आगे चल के बड़े बदलाव में बदल जाएंगे और ये आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जब भी आपको एंजल नंबर 85 दिखे तो आप थैंकफुल होइए एंजल्स को कि शुक्रिया, आप मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आने वाले हैं और मैं जानता हूँ कि ये चेंजेस मेरे लिए अच्छे हैं, तो इसलिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 100 की। अगर आपको बार बार एंजल नंबर 100 दिख रहा है तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी नेचर है या कुछ पावर्स हैं जो कहीं ना कहीं आप भूल गए हो, तो आपको उन अच्छी चीज़ों को जो आपके अंदर हैं उनको याद करना है। आपको याद करना है कि आपके अंदर क्या क्या अच्छा है। एंजल नंबर 100 कहीं ना कहीं एक तरीके का साइन है डिवाइन गाइडेंस का और हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो भी गाइडेंस है, जो भी हमारे लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर ही है, हमारी इनर विजडम में। और जितना हम अपनी इनर विजडम को समझेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे
और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे। और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम हैं, कहीं ना कहीं आपकी इनर विजडम से ही जुड़े हैं। तो आप अपनी इनर विजडम के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी इनर विजडम की सुने। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 149 की। एंजल नंबर 149 एक तरीके का साइन है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन का। जब भी आपको 149 एंजल नंबर दिखे, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप नई नई चीज़ों को ट्राई करें। कहीं ना कहीं आप जो इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके चल रहे हैं, जो जो चीज़ें कर रहे हैं, वो पूरी नहीं पड़ रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और बेहतर करने के लिए और भी नॉलेज गेन करें, न्यू एक्सपेरिमेंट ट्राई करें, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और भी आगे बढ़ पाएं। गाइस, आपके माइंड में अगर कोई एंजल नंबर है जो आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हो, मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना दूंगा। गाइस, मैंने और भी एंजल नंबर्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि 11 से लेकर 99 तक। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो आप इस साइड वाली वीडियो पे ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आप एंजल नंबर 111 की वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो।